ये गाना है इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, आपके लिए गाया जा रहा है कि बहुत इंतजार हो गया मंत्री बनाने को लेकर, दिल्ली तक भी आप गए लेकिन योगी जो है वो मानने को तैयार नहीं। नहीं, योगी जी का दोष नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री का दोष है, ना प्रधानमंत्री का दोष है, ना जेपी नड्डा जी का दोष है, ना यूपी के मुख्यमंत्री का। चुनाव हुए, चुनाव समय समय पर चुनाव आते गए, व्यस्तता रही, ये तय है कि जिस दिन विस्तार होगा उस दिन सरकार में शामिल होंगे, ये तय है। एक मुझे खुशी इस बात की रहती है कि मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। अच्छा, ललके साड़ जो खत्म हो गए, जो आप उठाते थे हमेशा आवाज, नहीं है, उसकी व्यवस्था के लिए सरकार ने हर जिले में जगह जगह उनकी व्यवस्था बनाई है, उनके लिए केंद्र बनाया है कि वहाँ व्यवस्था, पैसा भी सरकार दे रही है उनके भरण पोषण के लिए। तो सरकार का प्रयास हो रहा है कि किसान खुशहाल रहे, सड़क पे वो न घूमे, वो जहाँ व्यवस्था वहाँ रहे। बीएसपी ने जिस तरीके से मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी धीरे धीरे सौंपना शुरू कर दिया है, बीएसपी को आप कहाँ मान रहे हैं? देखिए, आज भी बीएसपी के पास 12% वोट है, और ये देश और प्रदेश गठबंधन से जूझ रहा है, तो बगैर गठबंधन किए बसपा सोचे कि हम बढ़े तो संभावना नहीं है। मान लिया ओम प्रकाश राजभर गलत है, क्या मायावती जी भी गलत है, सोनिया जी भी गलत है, जैन जी भी गलत है, सब गलत है, खाली अखिलेश सही है। वो उनकी आदत है, वो किसी को साथ लेके चलने की उनकी कला नहीं है कि सबको कैसे लेके चला जाए। अब अखिलेश जी की पार्टी ये सोचे कि हम सत्ता में आ जाएं, तो हमको तो नहीं लगता कि सत्ता में आ जाएं। उसका कारण है, उन्होंने पिछड़ों का हक लूटा, 27% आरक्षण जो पिछड़ों के लिए लागू हुआ उसका अकेले लाभ उन्होंने अपनी जाति को दिया सत्ता मिला करके। दूसरा, उन्होंने 20% मुसलमानों को सिर्फ नफरत के अलावा कुछ दिया हो तो बता दें अखिलेश जी, मुसलमानों को सिर्फ नफरत दिया। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे जो घटनाक्रम हो रहा है राजनीति का आप देख रहे हैं, और जो तीन राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी ने आश्चर्यचकित वहां पर जो लोगों का नेतृत्व परिवर्तन किया, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भी भाजपा चौंका सकती है? 100% 80 की 80 सीट जीतेंगे। उसका कारण है, देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता के बीच से हट गई, खत्म हो गई, बसपा जनता के बीच से हट गई, खत्म हो गई, समाजवादी पार्टी जनता के बीच से हट चुकी है, वो खत्म है, लड़ाई कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ ही बूथ स्तर तक अपना काम कर रहे हैं, तो जनता उसी का फल रहा है कि ये लोग बात करते हैं और एनडीए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी लोग हैं सब लोग काम करते हैं, तो काम का रिजल्ट आया, 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव में जो 3 राज्यों के रिजल्ट आए हैं, अगर उसी रिजल्ट की बात आप करें देखें तो विपक्ष पीडीए की बात करता है, असली पीडीए तो इधर है एनडीए में, मुख्यमंत्री और उनके 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ सीएम और डिप्टी सीएम, राजस्थान सीएम और डिप्टी सीएम, तो असली तो पीडीए इधर है, वो झूठ है, खाली चिल्लाते हैं कि पीडीए इधर है, तो जहाँ काम होता है जनता उधर साथ रहती है, जहाँ काम नहीं होता है वहाँ जनता साथ छोड़ देती है। लेकिन अखिलेश यादव एक नतीजों को लेकर एक इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि जो परिणाम आए हैं ये परिवर्तन है, जैसे कि जो राज्यों के नतीजे आए जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी वहाँ परिवर्तन हुआ, मध्य प्रदेश को छोड़कर उनका कहना है कि हर जगह परिवर्तन हुआ, आगे आने वाले समय में भी परिवर्तन होगा। देखिए अखिलेश जी, 20 साल तक लगातार हम बोल रहे हैं, 20 साल तक इसी तरह वो बोलते रहे,
अब अखिलेश जी की पार्टी ये सोचे कि हम सत्ता में आ जाएं, तो हमको तो नहीं लगता कि सत्ता में आ जाएं। उसका कारण है, उन्होंने पिछड़ों का हक लूटा। 27% आरक्षण जो पिछड़ों के लिए लागू हुआ, उसका अकेले लाभ उन्होंने अपनी जाति को दिया सत्ता मिला करके। दूसरा, उन्होंने 20% मुसलमानों को सिर्फ नफरत के अलावा कुछ दिया हो तो बता दें अखिलेश जी, मुसलमानों को सिर्फ नफरत दिया और मुसलमानों का वोट लिया, पिछड़ों का वोट लिया, सामान्य वर्ग का वोट लिया और सरकार बनाई। आपने भी मोहब्बत की थी, क्या पाया? कुछ नहीं पाया, धोखा पाया। वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर गलत हैं, वो गठबंधन करते हैं मायावती से 2-2 बार, वो गठबंधन करते हैं कांग्रेस से 2-2 बार, वो गठबंधन करते हैं निषाद पार्टी से, संजय निषाद जी से, वो गठबंधन करते हैं ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी से, वो गठबंधन करते हैं राष्ट्रीय लोकदल से। वही एक सही है और सब गलत है। मान लिया ओम प्रकाश राजभर गलत है, क्या मायावती जी भी गलत है, सोनिया जी भी गलत है, जैन जी भी गलत है, सब गलत है, खाली अखिलेश सही है। वो उनकी आदत है, वो किसी को साथ लेके चलने की उनकी कला नहीं है कि सबको कैसे लेके चला जाए। जी, शिवपाल यादव के बारे में क्या समझा अभी तक आपने? शिवपाल जी को लेकर कहा जाता था कि आपके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, अब शिवपाल यादव जी किस स्थिति में हैं? आज भी रिश्ते हैं। देखिए, हम गांव का रहने वाला ही, गौआ में अगर कोनो औरत घर से भाग जाती है धोती लेके, तो अगर शाम तक मना उना करके लोग लिए आते हैं तो फिर पूरा परिवार देखता रहता कहीं भाग ना जाए, कहीं भाग ना जाए, शंका बनी रहती है। तो पूरी समाजवादी पार्टी शंका के घेरे में है कि कभी चलने ना जाए, कुछ लोगों को लेके ना चल जाए। आपने देखा सदन में 403 विधायकों में मुख्यमंत्री खाली अखिलेश, मुख्यमंत्री जी खाली शिवपाल जी को समझा रहे थे, काहे परेशान हो, जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाएगा। एक गाना है, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, आपके लिए गाया जा रहा है कि बहुत इंतजार हो गया मंत्री बनाने को लेकर, दिल्ली तक भी आप गए लेकिन योगी जो है वो मानने को तैयार नहीं। नहीं, योगी जी का दोष नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री का दोष है, ना प्रधानमंत्री का दोष है, ना जेपी नड्डा जी का दोष है, ना यूपी के मुख्यमंत्री का। चुनाव हुए, चुनाव समय समय पर चुनाव आते गए, व्यस्तता रही, ये तय है कि जिस दिन विस्तार होगा उस दिन सरकार में शामिल होंगे, ये तय है। एक मुझे खुशी इस बात की रहती है कि मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। अच्छा, बीएसपी ने जिस तरीके से मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी धीरे धीरे सौंपना शुरू कर दिया है, बीएसपी को आप कहाँ मान रहे हैं? देखिए, आज भी बीएसपी के पास 12% वोट है और ये देश और प्रदेश गठबंधन से जूझ रहा है, तो बगैर गठबंधन किए बसपा सोचे कि हम बढ़ें तो संभावना नहीं है। कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, क्या लगता है आपको, सीतापुर से भी होकर जाएगी? अब कांग्रेस में क्या देखते हैं आप, वो जिस तरीके से गठबंधन समाजवादी पार्टी से अगर उसका हो जाता है तब क्या स्थिति रहने वाली? देखिए, समाजवादी पार्टी से गठबंधन का मकसद आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 1 MLA हैं, देश में कहीं भले सरकार हो हम नहीं कह सकते, लेकिन यूपी की राजनीति में उनके पास 1 MLA है, 2 MLA हैं, बसपा के पास 1 MLA है ना यही, और भारतीय समाज पार्टी के पास 6 MLA हैं। तो उनके जो यात्रा निकाल रहे हैं उस यात्रा का कोई असर नहीं है। यहाँ प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार अपनी दोनों योजना लेकर गाँव में जनता के बीच में जा रही है, स्टार लगा करके जो कमी है, जो समस्याएं हैं, उनकी समस्या का समाधान कर रही है। 6 दिसंबर से अभियान चला, 1.5 महीने का है, ये सड़क पर यात्रा निकालेंगे, NDA गाँव में समस्या का हल कर रहा है तो जनता किसको वोट देगी? सड़क वाले को तो देगी नहीं। जिसका जो है खतौनी में गड़बड़ी है उसको ठीक कर रहे हैं, जिसका उज्ज्वला योजना में सिलेंडर नहीं मिला गैस सिलेंडर उसका बनाया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड जिसका नहीं बना उसका बनाया जा रहा है, कृषि से संबंधित अगर कोई समस्या है, कोई समस्या अगर गांव में है तो समस्या का समाधान वहीं गाँव में सभी अधिकारी और सरकार के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहेंगे
और उनकी मौजूदगी में गांव की समस्या का हल करने की तैयारी सरकार कर रही है। ओम प्रकाश राजभर जी, जिस तरीके से 3 राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, यूपी में भी बात उठती रहती है कि यहाँ पर योगी को बदल सकती है वहाँ की हाईकमान, और आपके हाईकमान से रिश्ते हैं, क्या लगता है? अब एक मैसेज तो आ ही गया, बड़े बड़े दिग्गजों को बीजेपी नेतृत्व ने बदल दिया, तो यूपी में भी अगर आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो यहाँ भी वही होगा? नहीं, बात तो सबकी सुनी जा रही है, ऐसा नहीं है। और परिवर्तन, चुनाव तो हो नहीं रहे हैं, वहाँ चुनाव हुए हैं तब न परिवर्तन हुए हैं, नेतृत्व परिवर्तन। हाँ नहीं, नेतृत्व परिवर्तन अगर यहाँ की बात हो तो चाहे मध्य प्रदेश की बात आप कर रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ की, चाहे राजस्थान, वहाँ चुनाव हुआ है तब न परिवर्तन हुआ है। यहाँ तो चुनाव है नहीं, तो परिवर्तन कहाँ से होगा? अच्छा, ललके साड़ जो खत्म हो गए, जो आप उठाते थे हमेशा आवाज, नहीं है। उसकी व्यवस्था के लिए सरकार ने हर जिले में जगह जगह उनकी व्यवस्था बनाई है, उनके लिए केंद्र बनाया है कि वहाँ व्यवस्था, पैसा भी सरकार दे रही है उनके भरण पोषण के लिए। तो सरकार का प्रयास हो रहा है कि किसान खुशहाल रहे, सड़क पे वो न घूमे, वो जहाँ व्यवस्था वहाँ रहे। बिल्कुल, तो उम्मीद पर कहते हैं कि दुनिया कायम है। ओम प्रकाश राजभर भी उम्मीद पर बने हुए हैं कि जब भी कभी मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में होगा, वो भी मंत्री पद में आएंगे और वो भी शामिल होंगे, इसी उम्मीद में अभी भी वो बंधे हुए हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।